नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। करेंगे आज की 10 बड़ी खबरों का। भगवंत मान ने कहा कि इस बार भी पौने लाख बच्चों के विदेश जाने की संभावना है। सिर्फ बच्चा ही विदेश नहीं जाता, प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए भी बाहर जाते हैं। थोड़ा समय दो, ऐसा माहौल बनाएंगे कि अंग्रेज नौकरियां मांगने पंजाब आएंगे। पिछले 24 घंटे में भारत के कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए और 214 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 1958 मरीज ठीक भी हुए हैं। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को 3 मई के बाद हटाने की राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। देश के कई राज्यों में हुई हिंसा के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों के नाम चिट्ठी लिखी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल मारे जा चुके हैं। ये विश्व युद्ध के बाद सीनियर स्तर पर रूसी सेना में सबसे ज्यादा मौत है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर सोमवार को बड़ा खुलासा हुआ। इलाके के जिस कुशल चौक पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उसी ब्लॉक कुशल चौक का कनेक्शन 2020 में हुए दिल्ली दंगों से सामने आ रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसान संगठनों के बीच अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भगवंत मान के सामने गेहूं की फसल खराब होने पर प्रति क्विंटल 500 रुपए देने की मांग की गई। पूरे असम में असमिया लोगों के साथ साथ गैर असमिया लोगों द्वारा भी असम में जातीय उत्सव बोहाग बिहू का धूमधाम से पालन हो रहा है। दिल्ली NCR में सोमवार से प्रचंड गर्मी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को हीट वेव चलने की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल यानी आज शाम करीब 6 बजे के बाद गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। इस सेंटर को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक रूप से एक बेहतर प्रणाली माना गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर तय वक्त पर मुलाकात होगी 10 बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।